ओके बच्चा लोग, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉप चैप्टर, व्हाई डू वी फॉल। देखो आसान सा चैप्टर है, व्हाई डू वी फॉल, आसान सा नाम है। देखो व्हाई डू वी फॉल का नाम होता है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ध्यान से देखो चैप्टर का नाम व्हाई डू वी फॉल, आसान सा वर्ड कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आसान सा समझाने का तरीका, देखो भैया सबसे पहले जब भी हम वर्ड व्हाई डू वी फॉल पढ़ते हैं तो हम एक स्टेटमेंट कहते हैं। देखो द स्टेटमेंट इज क्या था, व्हाट दैट स्टेटमेंट इज गुड हेल्थ। देखो हेल्थ का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज़ बीमार पड़ना तो एक अलग चीज़ है। पहले तो आप ये समझें कि आप लोग हेल्दी हैं कि नहीं है, तो द फर्स्ट वर्ड इज गुड हेल्थ। देखो सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग WHO भी कहते हैं, WHO के हिसाब से गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है, WHO के हिसाब से क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, कहती है गुड हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। देखो बेटा ये तो आप लोगों की बुक्स कहती है, मैं कहती हूँ WHO चार चीज़ों को कंसीडर करती है। पहला फिजिकल, अच्छे से हों हम लोग, फिजिकल ठीक हों, फिजिकली ठीक हों, मेंटली ठीक हों, सोशली ठीक हों। एक WHO की जो लेटेस्ट डेफिनेशन है, बुक्स के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उसकी लेटेस्ट डेफिनेशन कहती है कि एक इंसान की इमोशनल वेलबींग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो बिट्टू आप लोगों ने रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में पढ़ा था, है ना, सुना, खूब सुना, न्यूज़ में आया, सबको पता था ही वॉज नॉट इमोशनली फिट, इमोशनली फिट नहीं था, इमोशनली फिट नहीं था, इसीलिए फिर वो डिप्रेशन में चला गया था एंड ऑल ना। तो देखो गुड हेल्थ का मतलब चार फैक्टर्स, देखो मैं तो चौथा फैक्टर भी लिख रही हूँ, फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल वेलबींग, चार चीज़ें होनी चाहिए, फिजिकली ठीक होना चाहिए, मेंटली, इमोशनली और सोशली। अब इनका चारों का मतलब समझेंगे। देखो पहला वर्ड होता है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या होता है, फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है कि मेरी बॉडी का हर पार्ट अच्छे से वर्क करे, दैट इज द देखो ध्यान से समझेंगे, नॉर्मल स्टेट ऑफ वर्किंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, देखो हमारे बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम करें, नॉर्मली काम करें, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं द पर्सन इज फिजिकली फिट, कि एक पर्सन फिजिकली फिट है। देखो ध्यान से समझना प्लीज, क्या कहता है, ये कहता है एक पर्सन फिजिकली फिट कब है, जब उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम करें। दूसरा वर्ड क्या आता है बेटा, दूसरा वर्ड आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है, मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि एक इंसान खुश रहे, एक इंसान मेंटली स्ट्रेस फ्री रहे, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, मेंटल हेल्थ। देखो दिमाग से रिलेटेड जो भी होता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ द मेंटल हेल्थ। तो दैट इज़ द नॉर्मल स्टेट ऑफ वर्किंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन अच्छे से काम करें नॉर्मल तरीके से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना हो, तो उसको कहते हैं मेंटल हेल्थ। देखो भैया क्या कहता है, नेक्स्ट वर्ड कहता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब आप सोशली अच्छे हो, सोशली मतलब रिलेटेड टू सोसाइटी, कि आप सोसाइटी में सबसे मिलते जुलते हो, सबसे बात करते हो, आपके आसपास का सराउंडिंग अच्छा है, ठीक है भैया, आपके पड़ोसी के बारे में आप लोगों को पता है। साथ ही साथ क्या कह सकते हैं, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि देखो आपको ये पता है कि आपके बगल वाले घर में कौन रहता है, ठीक है। उसके अलावा क्या एग्जांपल दे सकती हूँ, उसके अलावा एग्जांपल दे सकती हूँ कि देखो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपकी सोसाइटी अच्छी है, दैट इज़ द सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। सोशल वेलबींग ऑफ पर्सन का मतलब क्या हो गया बेटा, सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन का मतलब हो गया कि भैया एक इंसान सोशली फिट था, एक इंसान कैसे फिट है, सोशली फिट है, कि
कि उसको कोई भी सोसाइटी में प्रॉब्लम नहीं होती है. एंड द नेक्स्ट वर्ड टू बी डिस्कस्ड इज द इमोशनल हेल्थ. देखो भैया, बड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी बीच में दीपिका पादुकोण ने. भैया देखो, आप लोग तो वैसे भी बॉलीवुड की तरफ बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो दीपिका पादुकोण ने बीच में खूब अपने आप को बताया था कि भैया दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड शी फाउट फ्रॉम हर डिप्रेशन. देखो फिर उसके बाद अभी बीच में रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत का केस आया, दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. इमोशनली वीक था वो उस टाइम पे, उसको इमोशंस को प्रॉपर शो करना नहीं आया. तो इसका मतलब क्या होता है, इमोशनल वेलबींग बहुत जरूरी है एक इंसान की. देखो बच्चा लोग, एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं इमोशनल वेलबींग के ऊपर एक छोटा सा 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो दूंगी, तो वो देखना जरूर प्लीज सभी ध्यान से. नेक्स्ट वर्ड टू बी डिस्कस्ड इज व्हाट इज गुड हेल्थ. गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है, देखो आसान सा वर्ड है. गुड हेल्थ का मतलब होता है अच्छी हेल्थ. तो देखो गुड हेल्थ का मतलब क्या, पहला वर्ड कहते हैं एब्सेंस ऑफ डिजीज. एक इंसान को बीमारी ना हो तो उसको क्या कहते हैं बेटा, गुड हेल्थ कहते हैं. दूसरा वर्ड क्या कहता है, दूसरा कहता है एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल डिफॉर्मिटीज. देखो एक वर्ड बोल रही हूँ, फिजिकल डिफॉर्मिटीज. फिजिकल डिफॉर्मिटीज का मतलब क्या है कि किसी इंसान की बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन अच्छे से काम ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए. फिजिकल मतलब बॉडी और डिफॉर्मिटीज का मतलब है अच्छे से ना, डी मतलब उल्टा, फॉर्म मतलब बना हुआ. तो देखो किसी की बॉडी में डिफॉर्म्ड है तो दैट इज डिफॉर्मिटी. नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एनी मेंटल प्रॉब्लम, जिसके अंदर स्ट्रेस भी आता है. सबसे मेजर प्रॉब्लम आपकी मेंटल प्रॉब्लम क्या आती है, स्ट्रेस होती है. तो एब्सेंस ऑफ एनी मेंटल प्रॉब्लम, आप लोगों को कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी. नेक्स्ट देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, नेक्स्ट वर्ड कहता है एब्सेंस ऑफ टेंशन. यार ये बात मैंने अभी बताई आप लोगों को कि सोशल टेंशन नहीं होनी चाहिए, इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए. एक इंसान कंप्लीटली फिजिकली फिट होना चाहिए. अच्छा भैया, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, देखो एक इंसान क्या है, कंप्लीटली फिजिकली फिट है, दैट इज कंप्लीट फिजिकल फिटनेस. नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, नेक्स्ट वर्ड कहता है पर्पजफुल लाइफ. देखो भैया ऐसा ना हो जिंदगी जीने का कोई मकसद ही ना हो, देर मस्ट बी अ पर्पजफुल लाइफ. पर्पजफुल लाइफ का मतलब आपको पता हो कि भैया आप जिंदा हैं तो क्यों हैं. आप ऐसा ना हो कि घर वाले स्कूल भेज देते हो और स्कूल वाले घर भेज देते हो और फ्री टाइम में हम लोग सेल फोन्स यूज कर लेते हो, ऐसी लाइफ नहीं होनी चाहिए. एवरी वन मस्ट हैव अ पर्पजफुल लाइफ. उनको पता हो कि उनको जिंदगी में क्या करना है, ठीक है. फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी. एंजाइटी का मतलब देखो बेटू, आप लोगों को पता होना चाहिए, एंजाइटी का मतलब होता है आलस्य, ठीक है. जो आप लोगों के घर वाले कहते हैं ना, ऐसा आलसी बच्चा हम लोगों ने नहीं देखा, हम अपने टाइम पे इतना इतना काम करते थे. सो दैट इज द एंजाइटी. तो एंजाइटी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को ना. और क्या होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट. देखो प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स, दैट इज हेल्दी एंड डिजीज फ्री. देखो दो अलग अलग वर्ड है, एक है हेल्दी, एक वर्ड है डिजीज फ्री. बहुत बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन हेल्दी वर्सेस डिजीज फ्री. दो शब्द हैं, पहला वर्ड है कि किसी को बीमारी नहीं है और दूसरा वर्ड है कि मैं हेल्दी हूँ. देखो एक बार दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझेंगे. देखो आसान सा वर्ड है, पहला वर्ड है हेल्दी, दूसरा वर्ड है डिजीज फ्री. क्या कहता है हेल्दी पर्सन, क्या है हेल्दी पर्सन का मतलब, स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग. देखो चार चीजें सही हैं, एक तो फिजिकली ठीक है, एक मेंटली ठीक है, एक सोशल ठीक है, और एक वर्ड हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था इमोशनली भी ठीक है. नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, यहाँ पर नॉर्मली क्या माना जाता है, ओनली द स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग. देखो डिजीज फ्री का मतलब मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मेरी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है देखो, द नेक्स्ट वर्ड इज अ हेल्दी पर्सन
इज ऑलवेज डिजीज फ्री। देखो एक हेल्दी पर्सन हमेशा क्या होता है बेटा, डिजीज फ्री होता है। जब भी एक इंसान हेल्दी होता है तो उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है। पर एक देखो, एक बीमार नहीं है भैया, सपोज मुझे कोई बीमारी नहीं है पर स्ट्रेस रहता है, तो ऑफकोर्स आई एम नॉट हेल्दी। सो अ डिजीज फ्री पर्सन may not be healthy। देखो हेल्दी हो भी सकता है डिजीज फ्री पर्सन, नहीं भी हो सकता है। एक बार रिपीट कर रही हूँ, एक हेल्दी पर्सन हमेशा डिजीज फ्री होता है, पर एक डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है बिटू, नेक्स्ट वर्ड कहता है देखो, इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। दो चीजों का रोल है, एक इंसान का खुद का, एक उसकी सोसाइटी का। बट इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल ओनली, इसमें एक इंसान का खुद का रोल है। देखो भैया डिजीज फ्री तो एक इंसान खुद ही हो सकता है, पर देखो क्या कहता है, पर देखो हेल्दी वो तभी हो सकता है जब उसकी सोशल वेलबींग भी हो। तो देखो इसमें दोनों का रोल है। देखो बच्चा लो, अगला वर्ड बहुत आसान है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ, या गुड हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ, कि गुड हेल्थ की सिग्निफिकेंस क्या है। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ क्या क्या सिग्निफिकेंस है। पहला कहता है इंक्रीजेस वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन। देखो भैया अब मेरी बात इसको ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ में आएगी। अगर मैं हेल्दी हूं तो भैया मेरी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी। वर्किंग एफिशिएंसी का मतलब होता है मैं कम टाइम में ज्यादा काम कर पाऊंगी। वर्किंग एफिशिएंसी का मतलब है कि मैं कम टाइम में ज्यादा काम कर पाऊंगी। और अगर कोई बीमार है तो बेचारा खूब मेहनत करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, ठीक है, तो भैया फायदा ही नहीं होगा। अगर कोई इंसान खूब अच्छे से काम करेगा तो उसका पैसे में फायदा होगा। तो लीड्स टू द प्रोग्रेस ऑफ पर्सन, एक इंसान की प्रोग्रेस होगी, उसकी प्रोग्रेस होगी तो सोसाइटी की प्रोग्रेस होगी, सोसाइटी की प्रोग्रेस होगी तो अपने आप कंट्री की प्रोग्रेस होगी। भाई देखो तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम्हारा भला होगा, फिर पूरी सोसाइटी का भला होगा, फिर पूरे देश का भला हो जाएगा। उसके अलावा क्या कहता है, गिव चीयरफुल लाइफ, भैया खुश रहूंगी मैं। अगर देखो सीधी सी बात है, मेरे को कहीं दर्द है तो मैं कितनी भी कोशिश करूं मैं खुश रह ही नहीं पाऊंगी। पर देखो क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई इंसान डिजीज फ्री है तो उसको कैसी लाइफ मिलेगी बेटा, चीयरफुल लाइफ मिलेगी, वो हमेशा खुश रहेगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है एनहांसेस पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने के तरीके को बढ़ा देगा। एनहांसेस पावर ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। देखो एक इंसान सही दिशा में सोचेगा, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में सोचेगा, गलत डायरेक्शन में कभी भी नहीं सोचेगा, नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है गिव्स अ पर्पजफुल लाइफ। भैया देखो खुश रहोगे, जिंदगी में काम करेंगे, ठीक है, तो हमारी जिंदगी को एक मकसद मिलेगा, हम जिंदा हैं तो क्यों है हमें पता होगा। उसके अलावा भैया क्या है, helps in keeping a healthy interaction। देखो हम healthy interaction रखेंगे सभी के साथ, चाहे वो मेरे friends हों, चाहे family members हों, चाहे मेरे colleagues हों। देखो भाई मैं खुश रहूंगी, देखो मेरी social life अच्छी होगी तो मुझे पता होगा ना मेरे अड़ोस पड़ोस में कौन है, मेरे दोस्तों के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में, मेरे रिश्तेदारों के बारे में, मेरे colleagues के बारे में। सो कलीग्स मतलब क्या, कलीग्स मतलब ऐसे लोग जो हमारे साथ एक ही प्रोफेशनल प्लेस पे काम करते हों, ठीक है भैया, जैसे
नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. गुड हेल्थ होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. पहली चीज़ होनी चाहिए बैलेंस्ड डाइट. देखो खाना अच्छे से खाना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए. बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि हम फास्ट फूड ना खाएं, हम फ्रूट्स खाएं, हम वेजिटेबल्स खाएं, हम सैलेड खाएं, ठीक है. उसके अलावा हम क्या लें, उसके अलावा हम प्रॉपर टी 4 times या 5 times मील लें, दूध पिए, दही लें, लस्सी लें, ठीक है. अच्छा देसी घी सभी को लेना चाहिए. उसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए. अच्छा और आजकल तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग नहीं कहते हल्दी वाला दूध पियो, ये सारी चीज़ें लें तो इससे क्या हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी भैया, ठीक है. तो देयर इज बैलेंस डाइट. नेक्स्ट व्हाट इज पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन का मतलब है अपनी साफ सफाई रखना, अच्छे से रोज नहाएं, डेली ब्रश करें, सो दैट कम्स अंडर द पर्सनल हाइजीन. नेक्स्ट इज क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटेड सराउंडिंग. कह रहा है क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटेड सराउंडिंग, ऐसा सराउंडिंग हो जो कि नॉन पॉल्यूटेड हो, जिसमें पॉल्यूशन ना हो. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्लीन एंड नॉन कॉन्टामिनेटेड. नॉन कॉन्टामिनेटेड मतलब जिसमें कुछ मिला हुआ ना हो, ठीक है भैया. नॉन कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, खाना भी साफ सुथरा हो और पानी भी साफ सुथरा हो. उसके अलावा क्या कहता है, उसके अलावा कहता है हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए हमारी. हेल्दी हैबिट्स मतलब सुबह टाइम से उठें, रात को टाइम से सोएं, ये सब हेल्दी हैबिट्स का पार्ट है. नेक्स्ट वर्ड क्या आता है मेरा बेटा, नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज द वर्ड इज व्हाट द वर्ड इज हम कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए. कि एक इंसान को क्या करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस. गुड इकोनॉमिक कंडीशन होनी चाहिए. देखो हमारे पास पैसे अच्छे से होंगे तो हम काम अच्छे से कर पाएंगे. गुड इकोनॉमिक कंडीशंस होनी चाहिए. एंड द लास्ट वन इज मेंटेनिंग डोमेस्टिक हाइजीन. डोमेस्टिक मतलब घर का, तो हमें घर की साफ सफाई का भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए. इसी के साथ बिटू आप लोगों का आज की वीडियो ओवर है. थैंक यू सो मच. डाउट्स कमेंट सेक्शन में, नाम कमेंट सेक्शन में.